बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अब तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें, आमीन सुम्मा में। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई साहब अम्मा जी के पास। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अभी टाइम ज़्यादा करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आज? मैं चिकन पकौड़ा बना रही हूँ। चिकन पकौड़ा? हाँ मैं चिकन पकौड़ा बना रही हूँ। चलें जी आज हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा। ये देखते हैं किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम जाकर तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह का फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मैं चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। चिकन पकौड़ा मैंने पहले भी बनाया है, वो रेसिपी थी, ये और है। आधा किलो मैंने जो है बोला चिकन ले लिया था, उसके मैंने इस तरह पीसेस कर लिए हैं। दो मैंने बड़े प्याज ले लिए, उनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। चाट मसाला मैंने एक बड़ा टीस्पून भर के मैंने चाट मसाला ले लिया है। दो टीस्पून भर के मैंने ये नमक ले लिया है। एक टीस्पून लाल मिर्च ले लिया है। एक टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है। एक टीस्पून मैंने गरम मसाला ले लिया है। एक टीस्पून मैंने ये कुटी हुई मिर्च ले ली है। एक टीस्पून मैंने गरम मसाला ले लिया है। एक टीस्पून मैंने भुना हुआ जीरा उसका पाउडर ले लिया है। एक टीस्पून मैंने कुछ एक धनिया का पाउडर ले लिया है। आधा टीस्पून मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो ले लिया है। ये थोड़ा सा मैंने ये ले लिया है, दो लेमन का मैंने ये जूस निकाल लिया, रस निकाल लिया वो ले लिया मैंने। चार बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। चार बड़े चम्मच मैंने चावलों का आटा ले लिया है। ये मैंने इतना सा धनिया ले लिया है। एक पाव मैंने बेसन ले लिया है। चार बज मैंने आलू ले के उनको मैंने इस तरह काट लिए। अब मैं आपको चिकन पकौड़ा बनाने का तरीका बताती हूँ। हमने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर डालेंगे हम चिकन। इसके अंदर हम अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। आलू इसके अंदर डालेंगे हम मिर्च, नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, कुछ एक धनिया का पाउडर, कॉर्नफ्लोर, चावलों का आटा, सब्ज़ धनिया, इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन में पहले थोड़ा डालूंगी, फिर देखिए अगर और डालना हो तो डाल लूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नींबू का रस। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी पहले, फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको करूंगी।
देखें जी हमने मिक्स कर लिया था सारा, बेसन डाल कर जीरा हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। देखिए गैस बंद हो गया, मैं सिलेंडर पे पकौड़े बनाऊंगी। मैंने कढ़ाई ऊपर रख ली है। अब हम डालेंगे ऑयल। गैस बंद हो जाती है, एक घंटा आती है, दो तीन घंटे बंद रहती है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे, उसके बाद हम पकौड़े बनाने शुरू करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम पकौड़े बनाने शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। देखिए जी कितना अच्छा इनका कलर आया। मैंने भी ऐसे फूड कलर नहीं डाला, कुछ ज़्यादा ही अलग अलग लगने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मैं आपको सारे पकौड़े बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, अब इसी तरह हम सारे पकौड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी हमारे चिकन पकौड़ा कितना मज़े का तैयार हो गया। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।